हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ। ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको प्राइमरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ आई पे क्लिक कीजिए, आपको सारे मेरे प्रीवियस वीडियो के शॉर्टकट लिंक मिल जाएंगे। अगर आप तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल, जिसमें से आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं फोकस कर रही हूँ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है जो कि डिपेंड करता है रूट नोड की पोजिशन पे। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमेशा रूट नोड की पोजीशन जो होती है वो इन बिटवीन होती है, इन बिटवीन ऑफ लेफ्ट एंड राइट नोड जो आपका है वो रूट नोड सेट होता है। सो इसीलिए इसको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करने के लिए, ये सारा छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो सबसे पहले हमें जो लेफ्ट चाइल्ड है उसको प्रोसेस करना है। तो ये देखो, यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड को प्रोसेस कर लिया। उसके बाद इन बिटवीन में जो होती है वो रूट की पोजीशन होती है, सो हमें यहाँ से रिटर्न बैक करना होता है रूट पे और हमें रूट प्रोसेस करना होता है। और उसके बाद रूट के बाद हम राइट चाइल्ड को शिफ्ट होके राइट चाइल्ड को हमें प्रोसेस करना है। तो ये जो है, जो हमें यहाँ पे मूव होना है लेफ्ट चाइल्ड से हमें जो राइट लेफ्ट चाइल्ड से हमें जो रूट नोड पे शिफ्ट होना है वो मैं आपको कैसे करना है वो बताने वाली हूँ। तो हम कैसे मूव होंगे फ्रॉम चाइल्ड नोड टू रूट नोड, बिकॉज चाइल्ड नोड टू रूट नोड जाने के लिए कोई डायरेक्ट लिंक अवेलेबल नहीं है। हम पैरेंट नोड से रूट नोड से इसके चाइल्ड नोड को लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड में मूव हो सकते हैं इजीली, बिकॉज वहां पे डाउन लिंक अवेलेबल होती है। बट यहाँ पे अप लिंक और बैकवर्ड लिंक अवेलेबल नहीं है, तो वो हमें कैसे परफॉर्म करना है वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो उसके लिए हमारे पास दो सॉल्यूशंस है, ये हम कर सकते हैं आइदर रिकर्सिव एल्गोरिदम से या नॉन रिकर्सिव एल्गोरिदम से। तो इस वीडियो सेशन में मैं फोकस कर रही हूँ नॉन रिकर्सिव एल्गोरिदम पे। तो हम चलो देखते हैं कि नॉन रिकर्सिव इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का एल्गोरिदम कैसे वर्क होता है। तो यहाँ पे मैं आपको नॉन रिकर्सिव एल्गोरिदम एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसपे मैंने यहाँ पे इन ऑर्डर फंक्शन को रूट पास कर लिया है। उसके बाद अगर ये हमारा नॉन रिकर्सिव एल्गोरिदम है तो ये हमें एक्सप्लिसिट डेटा स्ट्रक्चर यूज करना होगा स्टैक, जो हमें हेल्प करेगा चाइल्ड नोड से पेरेंट नोड को मूव होने के लिए, क्योंकि स्टैक का जो बिहेवियर होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है और यही बिहेवियर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो इसीलिए हमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है। अगर आपको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाके वो जानकारी मिल सकती है। आपके लिए फिर से मैं यहाँ पे रेफरेंस लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए और फिर ये वाला वीडियो आप रिज्यूम कर सकते हो। अभी मैं आप अज्यूम करती हूँ कि आपको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पता है। उसके बाद हम एक करंट नोड का वेरिएबल यूज करेंगे, जिसको सबसे पहले हमें रूट को इनिशियलाइज कर देना है। उसके बाद ये हमें कंटिन्यू करते रहना है, ये हमें करते रहना है वाइल टिल और करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल। हमारी करंट नोड की वैल्यू जब तक नल नहीं होती है तब तक हमें ये करते रहना है। जो कौन कौन से स्टेप्स है, तो सबसे पहले स्टेप से हमें पुश करना है करंट नोड ऑन द स्टैक और उसके लेफ्ट को हमें मूव होना है। फिर से हमें करंट नोड लेफ्ट को मूव करने के बाद चेक करना है करंट नोड नल नहीं है, अगर नहीं है तो फिर से हमें वो पुश करना है और करंट नोड को फिर से उसके लेफ्ट के लिए मूव होना है। इसका मतलब है हमें ये वाइल लूप एग्जीक्यूट करना है और उसके लिए हम ये लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड को मूव करने के लिए हमें ये वाइल लूप मदद करता है। अभी मान लो कि आप लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड पे आ गए हो और उसका लेफ्ट चाइल्ड नल है, तो ये व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हमारा करंट नोड नल हो गया है। तो अभी हमें आगे जाना है, स्टेप नंबर 4 पे हमें क्या चेक करना है कि करंट नोड हमारा नल है या नहीं। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी मेरा लेफ्ट मोस्ट नोड पे अगर मैं हूँ तो उसका लेफ्ट चाइल्ड नल है, सो हमारा करंट नोड नल हो गया और करंटली स्टैक एम्प्टी नहीं है, जिसमें ऑलरेडी few of the nodes available है।
तो अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमें क्या करना है, जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो हमें पॉप कर लेना है और उसको डिस्प्ले कर लेना है। और उसके बाद हमें अभी लेफ्ट हो गया, नोड प्रोसेस भी हो गया, अभी आपको क्या कहा जाना है, आपको राइट चाइल्ड को जाना है, इसलिए हमें करंट नोड जो है वो उसके राइट चाइल्ड को अपडेट कर देना है। उसके बाद ये आपको ये कंटिन्यू करते रहना है अगर आपका करंट नोड नल है और आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है। अभी मान लो एक कौन से भी कंडीशन के वजह से आपका ये लूप ब्रेक हो गया, तो आपको नेक्स्ट कंडीशन चेक करना है। अगर आपको करंट नोड नल नहीं है तो हमें स्टेप नंबर 3 को जाना है, अदरवाइज हमें स्टेप नंबर 6 को जाना है। 3 को जाके हमें क्या करना है, फिर से हमें उसके लेफ्ट मोस्ट नोड को फाइंड करके तब तक ये कंटिन्यू करते रहना है। लेफ्ट मोस्ट नोड अगर नल है अभी तो फिर से उसको पॉप करना है और डिस्प्ले कर देना है और उसके राइट चाइल्ड को मूव होना है। यही हमें रिपीटेडली करना है क्योंकि हमारा इन ऑर्डर रिवर्सल क्या बोलता है, सबसे पहले लेफ्ट को मूव करो, अगर उसका लेफ्ट नल है तो नोड को प्रोसेस कर लो, अभी उसके राइट को मूव करो, अभी उसको नोड रूट नोड बना के फिर से हमें लेफ्ट रूट नोड एंड राइट ये सिक्वेंस हमें फॉलो करना है। यही सारी चीजें मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये आपका एक एग्जांपल आपके सामने है, यही एग्जांपल को लेके मैं यहाँ पे ये वाला एल्गोरिथम ड्राई रन करके आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहला स्टेप हमें हमारा क्या है, तो हमें स्टैक क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने ये मेरा स्टैक क्रिएट कर लिया। करंट नोड जो वेरिएबल है वो हमें सबसे पहले रूट को इनिशियलाइज कर लिया है, तो मैंने ये वाला करंट नोड वेरिएबल रूट को इनिशियलाइज कर लिया। अभी करंट नोड जब तक नल नहीं है तब तक हमें ये दोनों स्टेप 3.1 3.2 एग्जीक्यूट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या है, करंट नोड स्टैक में पुश कर लेना है क्योंकि हमारा करंट नोड अभी नल नहीं है जिसमें वैल्यू 10 अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने करंट नोड को स्टैक में पुश कर लिया। अभी उसके बाद हमें करंट नोड को अपडेट करना है किससे, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ करंट नोड। तो 10 का आप देख सकते हो लेफ्ट चाइल्ड क्या है 20। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका करंट नोड जो है वो हो गया 20, 10 का लेफ्ट चाइल्ड एज अ 20। अभी फिर से आपको व्हाइल कंडीशन चेक करना है, करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, यस कंडीशन इज ट्रू, तो हमें करंट नोड दैट इज 20 हमें स्टैक में पुश कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्टैक में 20 पुश कर लिया है। अभी फिर से हमें करंट नोड अपडेट करना है टू द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 20। अभी 20 का लेफ्ट चाइल्ड आप देख सकते हो यहाँ पे नल है, तो अगर ये नल है फिर से हमें व्हाइल कंडीशन चेक करना है, करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, तभी हमें ये परफॉर्म करना है। अभी आप देख सकते हो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, इसलिए हमें स्टेप नंबर 4 पे जाके चेक करना है कि हमारा करंट नोड नल है, उसके साथ साथ हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है। दोनों कंडीशन ट्रू हो गए, इसके लिए हमें टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो हमें पॉप कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टॉप ऑफ द स्टैक मेरा है 20, तो उसको मैंने पॉप कर लिया और उसको मैंने डिस्प्ले भी कर लिया। ये देखो मैंने पॉप किया और यहाँ पे मैंने उसको डिस्प्ले कर लिया। अभी उसके बाद हमें फिर से करंट नोड को अपडेट करना है, किससे अपडेट करना है, जो अभी मैंने पॉप किया था उसके राइट चाइल्ड को मुझे वो अपडेट कर लेना है। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं करंट नोड अपडेट कर रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने करंट नोड को अपडेट कर लिया 20 के राइट चाइल्ड को, 20 का राइट चाइल्ड क्या है 30। अभी उसको अपडेट करने के बाद हमें स्टेप नंबर 5 उसके पहले हमें स्टेप नंबर 4 का व्हाइल लूप कंडीशन चेक करना है। करंट नोड नल नहीं है, उसके साथ साथ स्टैक एम्प्टी भी नहीं है, पर कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है करंट नोड अगर नल नहीं है तो हमें स्टेप नंबर 3 को जाना है। तो चलो हम स्टेप नंबर 3 को बैक जाते हैं और चेक करते हैं करंट नोड नल नहीं है। अगर मेरा करंट नोड नल नहीं है तो हमें उसको स्टैक में पुश करना है, तो हमें 30 को स्टैक में पुश कर लिया। उसके बाद 30 के लेफ्ट चाइल्ड को हमें करंट नोड बनाना है, तो ये मैंने 30 के लेफ्ट चाइल्ड को 50 को करंट नोड बना लिया। उसके बाद फिर से हमें चेक करना है करंट नोड नल नहीं है, कंडीशन जो है वो ट्रू हो गया, इसके लिए हमें 50 को स्टैक में पुश करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50 को मैंने स्टैक में पुश कर लिया। उसके बाद फिर से हमें करंट नोड अपडेट करना है 50 के लेफ्ट चाइल्ड को, तो अभी आप देख सकते हो 50 का लेफ्ट चाइल्ड नल है। अभी यहाँ पे ध्यान दो मेरा करंट नोड जो है वो बन गया नल क्योंकि 50 का लेफ्ट चाइल्ड है नल। अभी स्टेप नंबर 3 का व्हाइल लूप तो फॉल्स हो गया क्योंकि हमारा करंट नोड अभी नल है,
तो हम स्टेप नंबर 4 को जंप करेंगे। स्टेप नंबर 4 को जंप करने के बाद आपको दो कंडीशन चेक करनी है, करंट नोड नल होना चाहिए और स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गए, इसके लिए हमें यहाँ पे जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो पॉप करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 50 को मैंने पॉप कर लिया और उसको मैंने यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में डिस्प्ले कर लिया। तो ये हो गया मेरा स्टेप 4.1। उसके बाद आपको फिर से करंट नोड अपडेट करना है जो पॉप्ड आइटम है, दैट इज 50, उसके राइट चाइल्ड को। अभी आप देख सकते हो 50 का राइट चाइल्ड जो है वो भी नल है। यहाँ पे आप देख सकते हो 50 का राइट चाइल्ड जो है नल। फिर से हम फॉर स्टेप नंबर 4 के वाइल लूप में जाएंगे। आप देख सकते हो आपके दोनों कंडीशन ट्रू है, दैट इज आपका करंट नोड भी नल है और स्टैक भी नॉट एम्प्टी है। तो हमें क्या करना है, टॉप ऑफ द स्टैक हमें पॉप करना है और उसको डिस्प्ले कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 30 को पॉप कर लिया और उसको यहाँ पे डिस्प्ले भी कर लिया। अभी फिर से आपको करंट नोड जो है उसको अपडेट करना है जो पॉप्ड आइटम है उसके राइट चाइल्ड से। तो अभी 30 का राइट चाइल्ड क्या है, 60। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं करंट नोड यहाँ पे अपडेट कर रही हूँ, मैंने अपडेट कर लिया है 30 के राइट चाइल्ड को, दैट इज 60 को। तो आपका करंट नोड हो गया 60। अभी ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई क्योंकि करंट नोड नल नहीं है। हम स्टेप नंबर 5 पे जाएंगे, आपको यहाँ पे देखना है अगर करंट नोड आपका नल नहीं है तो आपको स्टेप नंबर 3 पे जाना है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 को जाने के बाद फिर से व्हाइल कंडीशन चेक करनी है, यस आपका करंट नोड नल नहीं है, इसके लिए आपको जो करंट नोड है उसको स्टैक में पुश कर लेना है। तो अभी स्टैक में क्या होल्ड करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टैक में मैंने 60 को पुश कर लिया जो कि मेरा करंट नोड है। अभी फिर से मुझे करंट नोड अपडेट करना है जो कि होगा 60 का लेफ्ट चाइल्ड। 60 का लेफ्ट चाइल्ड आप यहाँ पे देख सकते हो वो नल है, तो उसको मैंने अपडेट कर लिया। तो मेरा अभी करंट नोड हो गया नल। फिर से ये व्हाइल कंडीशन पे जाएगा और चेक करेगा करंट नोड आपका नल नहीं है, हाँ मेरा करंट नोड नल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो हम स्टेप नंबर 4 को डायरेक्टली जंप करेंगे। स्टेप नंबर 4 आपका दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू है कि करंट नोड भी नल है और स्टैक भी एम्प्टी नहीं है। तो जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो हमें पॉप कर लेना है और डिस्प्ले करना है। तो आपको क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक वो हो गया 60, उसको हमने पॉप कर लिया और यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर रही हूँ। तो ये डिस्प्ले होने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से करंट नोड अपडेट करना है जो कि आपका पॉप्ड आइटम है उसके राइट चाइल्ड से। सो ये हो गया आपका 60 का राइट चाइल्ड, तो नल हो गया। तो आप यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिए कि जहाँ पे मैं करंट नोड अपडेट कर रही हूँ, तो यहाँ पे करंट नोड मैंने अपडेट कर लिया राइट चाइल्ड ऑफ 60, तो 60 का राइट चाइल्ड हो गया नल। फिर से हमें चेक करना है स्टेप नंबर 4 के व्हाइल लूप को, करंट नोड नल है, स्टैक भी एम्प्टी नहीं है, तो फिर से हमें टॉप ऑफ द स्टैक पॉप करना है। तो चलो हम सबसे पहले उसको पॉप कर लेते हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ये पॉप कर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर रही हूँ, ये मैंने उसको डिस्प्ले भी कर लिया है। अभी उसके बाद फिर से हमें करंट नोड अपडेट करना है जो हमारा पॉप्ड आइटम है, उसका मतलब है 10 उसके राइट चाइल्ड को अपडेट करना है। तो ये देखो मैंने करंट नोड को अपडेट कर लिया, करंट नोड जो है उसको मैंने 10 के राइट चाइल्ड से अपडेट कर लिया, उसका मतलब है 10 का राइट चाइल्ड है 40, तो उसको 40 से मैंने अपडेट कर लिया। अभी फिर से हम व्हाइल लूप को जाएंगे फोर्थ स्टेप के, जो कि कंडीशन जो है वो हमारा फॉल्स है क्योंकि करंट नोड नल नहीं है। अभी स्टेप नंबर 5 फिर से हमें क्या करना है, करंट नोड नल नहीं है, इसलिए स्टेप नंबर 3 के लिए हम मूव हो जाएंगे। स्टेप नंबर 3 हमें क्या बता रहा है, फिर से हमें कंडीशन चेक करनी है, व्हाइल नोड इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, तो हमें जो है वो 40 उसको हमें स्टैक पे पुश कर लेना है। तो ये मैंने करंट नोड स्टैक में पुश कर लिया। अभी फिर से हमें करंट नोड अपडेट करना है जो कि होगा 40 का लेफ्ट चाइल्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 40 का लेफ्ट चाइल्ड मैंने नल जो है उसको करंट नोड से अपडेट कर लिया। अभी स्टेप नंबर 3 तो फॉल्स हो गया, स्टेप नंबर 4 ट्रू हो गया क्योंकि करंट नोड नल है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो मैंने पॉप कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं 40 पॉप कर रही हूँ, यहाँ पे 40 को पॉप कर लिया और उसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले भी कर लिया। अभी डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको करंट नोड फिर से अपडेट करना है जो कि होगा 40 का राइट चाइल्ड। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो करंट नोड है वो 40 का राइट चाइल्ड है, वो है नल।
फिर से वो स्टेप नंबर 4 को जाएगा, चेक करेगा करंट नोड तो नल है पर हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया है। ये सेकंड वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई है, इसके लिए वो 4.1 4.2 एग्जीक्यूट नहीं करेगा। स्टेप नंबर 5 को जाके फिर से वो चेक करेगा कि करंट नोड नल है या नहीं, ये नहीं है इसलिए वो एल्स को जाएगा और स्टेप नंबर 6 एग्जीक्यूट करेगा। स्टेप नंबर 6 में क्या है, करंट नोड भी नल है, स्टैक भी एम्प्टी है, इसका मतलब है हमने जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है वो पूरा ट्री इन ऑर्डर में ट्रैवर्स कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा, 20 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, हम 10 से स्टार्ट करेंगे, उसके लेफ्ट को मूव होंगे, 20 को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है इसलिए हम उसको रूट नोड करके प्रोसेस कर लेंगे, इसलिए मैंने 20 को यहाँ पे प्रोसेस कर लिया। उसके बाद उसके राइट चाइल्ड को मूव होके उसका लेफ्ट चाइल्ड चेक करेंगे, यस उसका लेफ्ट चाइल्ड है सो इसलिए 50 को प्रोसेस कर लिया, 50 को लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है इसलिए हमने फिर से बैक जाके 30 को प्रोसेस कर लिया। उसके बाद उसके राइट चाइल्ड को मूव होके 60 को भी लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है, लेफ्ट नहीं है सबसे पहले इसलिए उसको प्रोसेस करके, राइट चाइल्ड भी नहीं है इसलिए हम बैक चले गए, तो वो हो गया हमारा 10। 60 के बाद अभी 10 का लेफ्ट सब ट्री पूरा ट्रैवर्स करके हो गया है इसलिए 10 को भी प्रोसेस कर लिया और उसको राइट चाइल्ड अगर है तो उसको मूव होके उसको रूट नोड बना लिया। 40 को रूट नोड बनाने के बाद 40 के लेफ्ट चाइल्ड चेक किया वो नहीं है इसलिए 40 को प्रोसेस कर लिया, 40 को राइट चाइल्ड भी नहीं है इसलिए आप देख सकते हो कि ये पूरा ट्री हमारा ट्रैवर्स हो गया है जो है 20 50 30 60 10 40। सो इस प्रकार इस तरह हम जो भी दिया हुआ ट्री है वो इन ऑर्डर में ट्रैवर्स कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो, मैं आपके क्वेरी को आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज उसको लाइक करना ना भूलिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, अप्रोप्रिएट कमेंट देना ना भूलिए। अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ मैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, पूरा ट्री डेटा स्ट्रक्चर का भी प्लेलिस्ट मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज स्टे ट्यून विथ टेक टॉक्स। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग, थैंक यू।